और एक बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर में गर्भगृह में विराजे रामलला की पहली तस्वीर सामने आ गई है। 5 साल के बाल स्वरूप में कमल पर विराजमान है रामलला। रामलला की मूर्ति की कुल ऊंचाई 51 इंच बताई जा रही है। रामलला की ये मूर्ति श्याम शिला से बनाई गई है। मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने रामलला की ये मूर्ति तैयार की है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है और उससे पहले गर्भगृह में मूर्ति स्थापित की गई है। वो जो तस्वीर सामने आई है वो भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। चूंकि अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है इसीलिए आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और अरुण योगीराज जो कि कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले हैं, 5 पीढ़ियों से लगातार इनका परिवार इसी तरीके से अलग अलग मूर्तियां बनाता रहा है और 3 मूर्तियां पहले तैयार की गई थी और उसमें से फिर इसका चयन किया गया है। और सर्व समिति पे आपको ये भी बता दें कि लंबी मंत्रणा इसको लेकर हुई है और आखिरकार इस मूर्ति का चयन हो चुका है। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर में आज यज्ञ अग्नि कुंड की स्थापना भी की जाएगी और साथ ही साथ खास विधि अरण्य मंथन से अग्नि का प्रज्वलन भी किया जाएगा। 20 जनवरी यानी कि कल राम मंदिर के गर्भगृह को 81 कलश जिसमें कि अलग अलग नदियों का जल इकट्ठा किया गया है उससे पवित्र किया जाएगा और इसके बाद वास्तु शांति अनुष्ठान शुरू किया जाएगा। 22 जनवरी को गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी जिसका बेसब्री से हर राम भक्त को इंतजार है और ये एक बेहद अहम क्षण जो अब और करीब आता हुआ लेकिन विधि विधान से ये प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर में आज यज्ञ अग्नि कुंड की स्थापना की जाएगी और बहुत ही खास विशेष विधि अरण्य मंथन से अग्नि का प्रज्वलन किया जाएगा और इसके बाद 20 जनवरी को यानी कि कल गर्भगृह को 81 कलश में संचित किए गए जल से साफ किया जाएगा जो अलग अलग नदियों का जल है। तो जय सिया राम आपको अयोध्या से आप News 18 इंडिया की यह खंड कवरेज देख पा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या के तमाम वो रंग जो रंग आप घर पर बैठकर देख सकते हैं क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। लेकिन सबसे खूबसूरत तस्वीर जो है वो कल सामने आ चुकी है। राम लला गर्भगृह में प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि देखिए उनकी मूर्ति को पूरा ढका गया है अब तक क्योंकि जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक आप मूर्ति को देख नहीं सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि भूतल पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। प्रथम तल पर काम लगातार जारी है। मेरी मौजूदगी इस वक्त हनुमानगढ़ी में है। आप सुबह के वक्त देख पा रहे हैं कि श्रद्धालु जो है इक्का दुक्का यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करने आ रहे हैं और ऐसी ही छटा जो है अयोध्या के कोने कोने में कण कण में नजर आ रही है क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं है। महाअनुष्ठान उनकी शुरुआत हो चुकी है। लगातार यज्ञ हवन हो रहे हैं लेकिन सबसे खूबसूरत तस्वीर जो है वो अब रामलला की सामने आई है। वो विराजमान हो चुके हैं। फूलों से अब पूरे मंदिर को सुशोभित किया जा रहा है, सजाया जा रहा है। वो तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं। लेकिन इस बीच बहुत बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से अयोध्या पहुंच रहे हैं। जी हाँ, लगातार समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहाँ कहाँ पर काम पूरा हो चुका है, कहाँ पर रह गया है। क्योंकि देखिए अब प्राण प्रतिष्ठा को सिर्फ 4 दिन बाकी है और ऐसे में कहाँ कहाँ पर काम रह चुका है, कहाँ पर नहीं है। और सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे अपने दौरे के दौरान हमेशा से हनुमानगढ़ी पहले पहुंचते हैं, उसके बाद रामलला के दर्शन करते हैं, आज भी उनका यही कार्यक्रम रहने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले हनुमानगढ़ी आएंगे, यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद वो रामलला के दर्शन करेंगे क्योंकि अब रामलला जो है अपने गर्भगृह में प्रवेश कर चुके हैं। अब देखिए महाअनुष्ठान लगातार हो रहे हैं, फिर वो प्रायश्चित पूजन हो, कर्मकुटी पूजन हो। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि किस तरीके से कलश यात्रा निकाली गई भव्य। उसके अलावा जो मुख्य यजमान है अनिल मिश्रा उनकी तरफ से भी लगातार जो है तमाम विद्वानों के साथ आचार्यों के साथ जितने भी अनुष्ठान हो रहे हैं उनके कार्यों को लेकर आगे वो बढ़ रहे हैं क्योंकि 22 जनवरी तक इन महाअनुष्ठानों के साथ हमको सफर तय करना है क्योंकि 22 तारीख वो तारीख है
जिसमें कई ऐसे योग बन रहे हैं, खास तारीख उसे चुना गया है और उस वक्त प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करने जा रहे हैं। जानकारी ये भी मिल पा रही है कि वो टेंट सिटी भी जाएंगे, वहां की भी समीक्षा करेंगे, क्योंकि देखिए श्रद्धालु बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। प्रोटोकॉल थोड़ी बहुत सख्त हो गई है क्योंकि आज 19 तारीख है, 20, 21, 22 तीन दिन रह गए हैं। अब सिक्योरिटी लेयर्स जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हो चुकी है, थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर। तो देखिए अयोध्या का कोना कोना कण कण चमक रहा है, लेकिन आपको ये उत्सुकता जरूर होगी कि मंदिर आखिर कैसा दिख रहा है। तो मंदिर की सबसे लेटेस्ट, सबसे खूबसूरत तस्वीरें जो है वो सामने आ चुकी है न्यूज 18 इंडिया पर। आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं। अब फूलों से मंदिर को सजाया जा रहा है, रंग बिरंगे फूल आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मंदिर के कोने कोने को महका रहे हैं, जगा रहे हैं। देखिए मंदिर तो वैसे ही बेहद खूबसूरत बना है, खूबसूरत नक्काशियां हुई है, मार्बल का काम है, और ऐसे में आप देखिए ये फूल किस तरीके से इस पूरे मंदिर की शोभा को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। देखिए राम लल्ला अपने अंगना आ चुके हैं, गर्भगृह में बैठ चुके हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मंदिर अब बेहद खूबसूरत लग रहा है, फूलों से सजाया गया है। आप गेंदा के फूल देख पा रहे हैं, गुलाबी रंग के फूल देख पा रहे हैं, पत्तियां देख पा रहे हैं, हरी हरी पत्तियां, और ये तीन तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक एक क्रम में देखिए आप किस तरीके से अब मंदिर का जो काम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए भूतल तैयार हो चुका है, गर्भगृह में रामलला विराजमान हो चुके हैं कमल के फूल में। इसके अलावा आप देखिए फूलों से किस तरीके से देखिए खूबसूरत छटा जो है वो भव्य नव्य मंदिर की नजर आ रही है। लेकिन सबसे खूबसूरत तस्वीर एक और आपको दिखाते हैं न्यूज 18 इंडिया पर। राम लल्ला विराजमान हो चुके हैं अपने सिंहासन पर। जी हाँ, वो गर्भगृह में उनका प्रवेश हो चुका है। कमल के फूल पर राम लल्ला को बिठाया गया है। 51 इंच की बाल स्वरूप की वो मूर्ति, श्यामला रंग है, अरुण योगी राज जिनकी मूर्ति को सिलेक्ट किया गया है, वो भी उस वक्त मौजूद थे जब राम लल्ला को कार सेवक पुरम से यहाँ पर मंदिर परिसर लाया गया। लेकिन ये सबसे सबसे खूबसूरत तस्वीर, रामलला विराजमान हो चुके हैं सिंहासन पर। और देखिए लगातार जिस तरीके से हम कह ही रहे थे कि कोई ना कोई अप्रिय घटना या कोई भी संदिग्ध गतिविधि होती है तो उसके लिए यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। और बड़ी खबर यही आ रही है कि तीन संदिग्धों को उत्तर प्रदेश एटीएस की तरफ से पकड़ा भी गया है, उनसे पूछताछ हो रही है। हालांकि वो कौन है, कहां से आए हैं, क्या उनका मकसद था, क्या मंशा थी, अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि कितनी सघन चेकिंग जो है यहाँ पर हो रही है।